दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने दो क्रीम्स का फुल्ली एकदम 4-5 मिनट का एकदम बड़ा वाला कंपैरिजन रिकॉर्ड किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपका इतना लंबा टाइम वेस्ट क्यों करूं। आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आपके पास दो ऑप्शन आ जाए, एक तो फेयर एंड हैंडसम क्रीम आ गई है, साथ ही एक आ गई है मी ग्लो क्रीम, तो आपको कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। तो दोस्तों फेयर एंड हैंडसम क्रीम दावा करती है कि ये आपके चेहरे को 7 दिन के अंदर ही गोरा बनाने लग जाती है, साथ ही ये मर्दों की टफ स्किन के लिए बनाई गई है। उधर मी ग्लो के बारे में बात करें तो ये बताती है कि हमारी क्रीम के अंदर नेचुरल चीजें डाली गई है, साथ ही हमारी क्रीम के अंदर पेराबन नहीं है, साथ ही हमारी क्रीम आपके चेहरे को सॉफ्ट बनाती है, साथ ही स्मूथ बनाती है और आपकी स्किन को नेचुरली व्हाइट बनाने में मदद करती है। दोस्तों दोनों क्रीम से बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन दोस्तों मी ग्लो क्रीम एक इंपॉर्टेंट दावा यह करती है कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, साथ ही नरिश करती है और आपकी स्किन को हाइड्रेट बनाती है। और दोस्तों मैंने दोनों क्रीम यूज में ली है, मी ग्लो क्रीम थोड़ा अच्छी है इन चीजों में। बाकी फेयर एंड हैंडसम क्रीम के बारे में बात करें तो फेयर एंड हैंडसम क्रीम लॉन्ग लास्टिंग फेयरनेस नहीं दे पाती है, साथ ही वो आपके चेहरे को ड्राई बना देती है। तो दोस्तों आपको दोनों में से कौन सी क्रीम सिलेक्ट करनी है इसके बारे में जाना पड़े तो आप मी ग्लो क्रीम यूज करना, क्योंकि ये थोड़ी सस्ती है, सस्ती तो है ही साथ ही आपको फायदे भी ज्यादा देती है। और बाकी आपके इस वीडियो में कोई भी कमेंट्स हो वो नीचे बता देना, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा। मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है क्योंकि मैंने पहले 5 मिनट की रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन मैंने सोचा यार इतना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, बाकी जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो तो मैंने आपके सामने स्क्रीन में रख ही दी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो नीचे कमेंट कर देना।